रायसेन जिले के मंडीदीप में छापामार कार्रवाई में पकड़ाया नकली सामान, जिसकी कीमत तकरीबन 10 लाख बताई जा रही है। जानकारी अनुसार पिछले कई सालों से नोएडा से नकली ब्रांडेड सामान लाकर पैकिंग किया जा रहा था। बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर कैसे चल रहा था इतना बड़ा कारोबार। फिलहाल आगे आधिकारिक तौर पर कार्रवाई जारी है। थाना सतलापुर के पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है और नकली सामान को जब्त कर कार्यवाही की जा रही है। सतलापुर पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही कर नकली सामान को जब्त किया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख बताई जा रही हो। चाय, मैगी, सॉस, ENO, मसाले, ऑल आउट, टिन शॉप, डिटर्जेंट, फेवी क्विक, बोरो प्लस, सही सैकड़ों नकली प्रोडक्ट नोएडा से नकली लाकर पैकिंग की जा रही थी। आज जो है राज ठाकुर और हितेंद्र शर्मा जी दो व्यक्तियों ने थाने पर आकर आवेदन दिया था कि हम लोग ब्रांड कंपनी के ब्रांडेड चीज़ों को जो है ब्रांड एम्बेसडर टाइप से हैं उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं, अगर हमारी कंपनी के ब्रांड से अलग कोई इसको अगर फर्जी बनाता है तो उस पर कार्यवाही की जाए। तो उन्होंने आवेदन दिया था कि हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्शन ऐसे हैं जिनका फर्जी रूप से उनको बना के और सील चपड़ा वगैरह कर रहे हैं, नई पैकिंग उसकी फर्जी तरीके से करके और बेची जा रही है, तो कार्यवाही करें। तो उसके बाद TI साहब ने निर्देश दिए तो हम लोग आए थे उसकी जांच के लिए मौके पर। माता मंदिर रोड पर आयशर कंपनी के सामने 88 नंबर प्लॉट है सतलापुर इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर ये विनय अग्रवाल जी का एक गोडाउन टाइप से है, किराए से लिया हुआ है। उसमें हमने कुछ सामान देखे तो सभी के सामने रखा हुआ है, कार्टूनों में पैक रखे हुए हैं, जिनमें रेड लेबल चाय पत्ती है और डब शैम्पू के पाउच हैं, हेड एंड शोल्डर्स पाउच हैं और बोरो प्लस हैं। इस तरीके के काफ़ी सारे सामान जो हैं वो मिले और जिन पर हमको लेवल जो है ओरिजिनल नहीं मिला है, इन चीज़ों को जब्त किया गया है, कार्यवाही की जा रही है।